अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है मेरा जॉर्जिया में लास्ट डे। तो कल जो मैंने पीसीआर टेस्ट किया था, एक दिन पीसीआर टेस्ट करना पड़ता है वापस जाने से पहले, तो उसका रिज़ल्ट भी आ गया। ये इसका रिज़ल्ट है। और आई डोंट नो, कुछ जॉर्जियन में और कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव ऑन SARS-CoV-2, तो शायद इसका ये मतलब हो कि नेगेटिव ही होगा। बाकी अभी शान आएगा, उसको मैं पूछ लूँगा कि इसका रिज़ल्ट का मतलब क्या है, उसको शायद जॉर्जियन समझ आता हो। अभी पैकिंग चल रही है, पैकिंग कर रहा हूँ मैं, और आगे जाके बाहर कुछ शॉपिंग, कुछ चीज़ें लेनी है, क्योंकि मेरा फ़्लाइट शाम को है। कल जो सब्जियाँ वब्जियाँ चेरी वेरी लिया था, चीज़ वगैरह लिया था मैंने वो ले जाने के लिए, उसके लिए कुछ डब्बे वब्बे चाहिए मुझे। बाकी वापसी में जाते वक्त एयरपोर्ट पे क्या प्रोसीजर होगा, क्या पूछते क्या नहीं पूछते, आई डोंट थिंक वापस जाने में कुछ होगा, सब कुछ सिंपल ही होगा, इस तरह कुछ लगता नहीं है। अभी तो मेरा ड्रोन भी टूट गया, आते वक्त मुझे ड्रोन का थोड़ा सा डर था कि ड्रोन की वजह से कुछ पूछेंगे, या फिर मतलब शारजा एयरपोर्ट पर कुछ ना कुछ बोलेंगे। अभी तो वो सीन भी नहीं है, ड्रोन टूट भी गया तो अब वो डर भी नहीं है। बाकी आज मैंने एक वीडियो शूट करनी है शान के साथ। शान को आप लोग जानते होंगे मेरे फर्स्ट वीडियो से, यू जॉर्जिया में स्टूडेंट है मेरे MBBS का। और मैंने जो वीडियो शूट करनी है उसके साथ यहाँ पर एजुकेशन के बारे में, कि यहाँ पर अगर कोई एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो क्या मतलब क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है वो, क्योंकि 2 साल से वो स्टूडेंट है, क्या करना पड़ता है बंदों को अगर कोई पाकिस्तान से आना चाहता है या फिर इंडिया से, क्या यहाँ पर वो आखिर हो गया यहाँ पर बंद एजुकेशन हासिल क्यों करें, ये सारे कुछ क्वेश्चन है मेरे माइंड में, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। तो वो भी वो आएगा, मैं वो वीडियो शूट करूँगा। एक और वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो है कि ओवरऑल जॉर्जिया का जो एक्सपीरियंस था मेरा वीज़े का, और यहाँ पर ट्रेवल टिप्स गाइड के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ एक शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों को बतानी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर आके। कुछ चीज़ें थी जो शायद मुझे मैंने मतलब अच्छा डिसीजन लेके वो मैंने किया, अगर वो ना कर तो मेरा ट्रेवल ख़राब हो जाता, और कुछ चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो फजूल थी। तो वो 2-3 चीज़ें आप लोग साथ इंशाल्लाह मैं घर पहुंच के डिटेल में आप लोग के साथ शेयर करूँगा। अभी शूटिंग कर रहे थे, मैं वीडियो शूट कर रहा था। ये आ गए हमारे शान भाई, बहुत मुश्किल से देखने को मिले 2-3 दिन। कैसा रहा कोविड? अच्छा है। अरे यार मैं डर गया था, वैसे करूँगा, डर गया था मैं तो बहुत। चलो अच्छा होगा, नेगेटिव आया ये भी अच्छा है। तो अभी हमने शूट करनी है एक वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत से लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, शायद किसी के लिए बोरिंग हो रही, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो सामान वामान सारा मैंने रख दिया होटल में, अभी मेरे पास 2 घंटे है, तो 2 घंटे मुझे कहीं ना कहीं स्पेंड करने हैं। और स्पेशली मुझे कुछ बॉक्सेस चाहिए जो मैंने चीज़ वगैरह लिए हुए हैं उसके लिए, चीज़ लिए और चेरी लिए है। आपको पता ही हिमी चेरी कितनी महंगी होती है, तो मैंने बहुत सारा लिया चेरी, और उसके लिए भी उठाओ डब्बा वब्बा चाहिए, वरना सब कुछ ख़राब हो जाएगा, वहाँ पहुँचते पहुँचते उसका जूस बन जाएगा और सारे कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे, तो कोई डब्बा चाहिए। तो उसके लिए भी हम जा रहे हैं, शान भाई लेके जा रहे हैं हमें कारफोर। हमें दुबई में रहते हुए सिर्फ लगता है कारफोर सिर्फ दुबई का है, लेकिन ये क्योंकि फ्रेंच, आई थिंक फ्रांस का है, हर कंट्री में होता है, यहाँ भी कारफोर है, तो उधर जा रहे हैं, उधर मिल जाएगा डब्बा वब्बा। और ये वो रास्ता है जिस पे उस दिन मैं रात को आया था, अंदर अंडरग्राउंड है और सारी दीवारों पे पेंटिंग की हुई है उन्होंने। ये पेंटिंग किसने की है, पब्लिक ने की है, गवर्नमेंट ने की है? पब्लिक ने की है। पेंटिंग बहुत डरावनी है और कुछ बहुत अच्छे क्रिएटिव पेंटिंग है। सारा अंडरग्राउंड खाली है, बट ये अंडरग्राउंड जो है ना, ये बड़ा वो है, क्या बोलते हैं उसको, डरावना है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी, पता नहीं कैसे कौन से रास्ते से निकलेंगे, डायरेक्ट निकलेंगे तो कोई और। अच्छा ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से क्रॉस करेंगे, ऊपर गाड़ी चल रही है। हाँ, ऊपर का ब्रिज जो है ऊपर का हिस्सा वो गाड़ियों के लिए है, और ब्रिज के जो नीचे का हिस्सा है वो पैदल चलने वालों के लिए। वो सारे किश्ता विश्ते साइड में खड़े हुए हैं, पानी कम हो गया शायद। जितना भी एक्सप्लोर करो, जितना भी घूमो, एक से अच्छी जगह मिलती जाएगी आपको टिबलीसी में। बहुत फन एरिया है, बहुत अच्छी तरह का, आपको कोई टेंशन ना हो, सिर्फ घूमने ही आए हो, घूमो एक्सप्लोर करो, ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे जगह जगह पे ये स्कूटी खड़ी होती है, आप इसको चला सकते हो, अगर आपको मतलब सिटी का पता हो ना, तो आप जस्ट एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और इसको आप अनलॉक कर सकते हो। और आई थिंक 50 फिल्स पर मिनट इस तरह कुछ है, बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने नहीं चलाया, मैं चलाना चाहता हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं है, अगर टाइम मिल गया तो चलाऊँगा।
बट यहाँ पे सारे रोड पक्के हैं, मतलब दुबई की तरह है। और पीछे पीछे गुब्बारा उड़ा हुआ है, पीछे बलून उड़ा हुआ है, बलून अभी ऊपर है। ये बलून भी डिपेंड करता है मौसम पे, अगर मौसम अच्छा हो ना तो ये उड़ा लेते हैं। मैं एक दो बार गया हूँ उसको, लेकिन उस टाइम पे बारिश होती थी तो मैंने ये भी चीज़ छोड़, एक ये चीज़ रह गई मुझसे, स्कूटर रह गया। इतना वर्थ नहीं है ऊपर जाने का, यही चीज आप वहाँ तश्मीन डबे गए थे ना ऊपर, वहाँ से भी पूरा दिखता है, लेकिन ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा ना, इस तरह हिलते जुलते। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ का मुझे अभी जो पता चला, क्योंकि मैं दो तीन दिन से देख रहा हूँ ना सिग्नल पे बाइक नहीं रुकते, अभी शान ने मुझे बताया कि बाइक वालों के लिए अलाउड है, वो सिग्नल तोड़ सकते हैं। तो अलाउड नहीं है, उनका कैप्चर नहीं होता है। हाँ, कैमरे में कैप्चर नहीं होता है, ये चीज़ आप यूएई में नहीं कर सकते। हम अभी कंपेयर कर रहे थे यूएई के फाइंस और यहाँ के फाइंस, मैंने कहा ये कह रहे यहाँ पर बहुत टफ है, मैंने कहा बच्चू बच कभी आ जाओ यूएई। मतलब इनको ये बड़ा अजीब सा लगता है, कह रहे वहाँ पर बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला सकते हो। मैंने कहा ये तो सोचना भी मत, ये वहाँ पर इस तरह सोचना है जैसे आपने कोई अभी मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ आई बोल लेकिन छोड़ नहीं बोलूँ। तो इस तरह अजीब सा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं, वहाँ पर फाइन्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इसको मास्क का फाइन पड़ा है 20 लारी, वहाँ पर मास्क का पड़ता है 500 दिरहम, बहुत डिफरेंस है। खुद की जान बचाने के लिए 500 दिरहम भरना पड़ता है, मतलब 500 दिरहम। आपने अगर रोड क्रॉस किया ना इस तरह जहाँ पर वो क्या होते हैं ज़ेब्रा क्रॉस ना हो, तो 200 दिरहम 300 दिरहम को पड़ेगा। यहाँ पे भी वही, उसके लिए भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर मैंने देखे लोग घूमते रहते हैं, यहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखते नहीं पुलिस वाले। एक दो लोगों को पड़ा है मेरे दोस्तों में से, 25 से 30 लाख का फाइन पड़ा है। पता है यहाँ के कारफोर में, वहाँ के कारफोर में क्या प्रॉब्लम डिफरेंस है? एक सबसे बड़ा डिफरेंट ये कि वहाँ के कारफोर में आप इस तरह वीडियो शूट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं शूट कर सकते। तो मैं तो कर रहा हूँ। हाँ, पर अभी तक वो लोग इतना नोटिस नहीं कर रहे ना। अच्छा, मैं अलाउड नहीं करते अभी। अच्छा, यहाँ पे अलाउड नहीं करते, लेकिन मैं अभी तक कर रहा हूँ। मैं बताया था ना आपको कि बहुत बार मेरा वीडियो डिलीट मारना पड़ा मेरे को। अच्छा। हाँ, फिर लोगों को पता नहीं कि हम आईफोन में रिसेंटली डिलीट से वापस ले सकते हैं, बट GoPro में नहीं कर सकते। GoPro में नहीं कर सकते ना। ये बेटर रहेगा। हाँ, चेरिस चीज़ के लिए, चीज़ के लिए भी कैसे है, चीज़ के लिए डीप सर। हाँ, परफेक्ट है। बॉक्सेस मिल गए, अच्छे बॉक्सेस मिले कारफोर से, और थोड़ा और चेरी भी लिया, अच्छा मीठा वाला चेरी मिल रहा था तो ले लिया। और अगेन इतने ज़्यादा चेरी सिर्फ 6-7 लारी का मिला। जो यूएई में होते हैं ना, चेरी को देख के ऐसे गुजर जाते हैं, पड़ा हो ना कारफोर में, तो इतना सा बॉक्स 25 दिरहम में, 30 दिरहम में। हाँ, और यहाँ पे देखो रास्तों में पड़ा हुए, लेकिन यहाँ पे भी सीजन वाइज है, यहाँ पे अभी हम लोग को सस्ता मिल रहा है क्योंकि अभी टाइम है। जब महंगो फिर कितने का हो जाता है, मतलब बिकता ही नहीं है, ही नहीं ऑप्शन ही नहीं। हाँ, तब तो होगा ही नहीं ना। तो अभी जा रहे कहीं पे अच्छी सी जगह देख रहे, कुछ पेट पूजा करें। यहाँ भी तकरीबन जो जितने भी अंडर पास है, सब अंडर पास के अंदर शॉप्स होते हैं, बिल्कुल पेशावर की तरह। अंडर पास के अंदर जाओगे तो दुकानें होती हैं, कहाँ से जाए, कितने रास्ते है। बट ये कि पेशावर के अंडर पास है बहुत सिंपल, एक जगह घुसो दूसरी जगह निकलो। यहाँ पर पूरा राउंड अबाउट बना हुआ है अंडर पास के अंदर भी। वो कंफ्यूज मुझे भी करता है कि कहाँ से है रास्ता एक्चुअली। हाँ, यहाँ से। अरे ठंड बहुत रहती है यहाँ पे। वहाँ बहुत ठंड थी, बहुत ठंड। ठंड सहन कर सकते हैं, हवा नहीं सहन कर सकते। मतलब ठंड रहती है ना, अगर हम लोग यहाँ पे कुजोरी जाते हैं, वहाँ पे बर्फ थी, ठंड नहीं लग रही थी, पर वही हवा रहती है ना तो ज़्यादा ठंड लगती है। तिबलिसी में बर्फ नहीं रहती है पर हवा रहती है, इसके लिए बहुत ठंड रहता है। सही। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है, थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन ये भाई आज मुझे घुमा के। अरे अब जो देश आए वहाँ पे लोकल स्ट्रीट्स नहीं घूमे तो क्या फायदा। हाँ, अच्छा तो लग रहा है वो, सही मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है आज भी। बस गर्मी बहुत, अगर यही कल की ऐसा टेम्परेचर है तब देना तो बहुत मजा आ जाता है। जब ये बोलते हैं गर्मी बहुत है ना, तो मुझे बहुत हंसी आती है। अगेन मैं बोलूँगा भाई कभी आओ दुबई, खुशबू लगा कभी दुबई, कभी दुबई आओ। बिलीव मी, मैं मौसम एंजॉय कर रहा हूँ और इसको ये गर्मी लग रही है। अरे बहुत गर्म है यार ये। जब गर्मी होगी मैं तुम्हें बता दूंगा, वो बहुत गर्मी। फिर ये कुछ भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है, चिल वाला।
अभी हम ये फ्रीडम स्क्वायर आए हैं पैदल अपने होटल से। तो जो भाई लोग भी होटल ब्रिज बुटीक में अकोमोडेशन ले रहे हो तो उनको मैं बता दूँ, मतलब आप अगर फ्रीडम स्क्वायर आना चाहते हो तो आपको तकरीबन लगेंगे ये 10-15 मिनट लगेंगे। हाँ, अगर आप मतलब ब्रिज बुटीक में सिर्फ इस वजह से अकोमोडेशन ले रहे हो, रूम ले रहे हो कि आप फ्रीडम स्क्वायर आओगे पैदल, तो मत लो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्रीडम स्क्वायर में आप एक मरतबा ही आओगे और आधा घंटा एक घंटा घूम लोगे और कुछ भी नहीं, क्या कुछ नहीं, फिर क्या करोगे। तो हमेशा ऐसा होटल लो जहाँ पे अच्छे खाने भी आपको, जो खाने आप खाते हो वो खाने हो आपके करीब करीब और मेट्रो के करीब लो। सबसे बेस्ट लोकेशन मरजानिश वली। हाँ, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे हलाल खाने मिल जाएंगे, अरब रेस्टोरेंट्स है, जॉर्जियन रेस्टोरेंट्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, और जो भी तुम्हें चाहिए सब कुछ है उधर, और मेट्रो है। तो मैंने ब्रिज बुटीक पे लिया था क्योंकि वो पिक्चर्स में बड़ा अच्छा लगता है, व्यू बड़ा अच्छा है वहाँ से, होटल भी अच्छा है। मरजानिशवली के पास में ही है। उस दिन आपको एड्रेस दिया था ना मैंने, 1 किलोमीटर दूर है मरजानिशवली से। सही है, वो जो स्ट्रीट था ना जो बात कर रहा हूँ मैं, वो तो 500 मीटर दूर है, मेट्रो से 1 किलोमीटर है, बट वो स्ट्रीट से 500 मीटर है। आप लोग सिर्फ आपका गूगल मैप यूज करो। तो भाई हमने उठाया KFC और यहाँ बैठ के नहीं खा सकते फूड कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर है वीकेंड और वीकेंड पे सैटरडे और संडे को आप नहीं खा सकते यहाँ बैठ के। आई थिंक दुबई में भी इस तरह नहीं, दुबई में इस तरह नहीं है, बट अभी हम जा रहे हैं करीबी कोई पार्क है अच्छा वाला, वैसे भी पार्क में बैठना अच्छा है, अच्छी हवा लगेगी, वहाँ बैठ के खा लेंगे। हवा अच्छी लगेगी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुत्ते नहीं आना चाहिए। वो फर्स्ट डे इस तरह ही हुआ था यार, मैं बैठ रहा था खाना खा रहा था, वो ब्रेड वर्ड खा रहा था और कुत्ता आ गया, कुत्ते बहुत ज़्यादा है, ये बात इसकी सही है, कुत्ते नहीं आने चाहिए। बहुत बुरा लगता है, वो लोग बैठे रहते हैं हमारे सामने ही, फिर खाना नहीं देते हम लोग। नहीं, खाना नहीं देते का प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे नहीं पसंद यार कुत्ते मतलब पसंद दे लेकिन दूर से बस, जब तक जब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्री वो नहीं पसंद। नहीं, मेरे खुद के मेरे घर पे है ना एक कुत्ती, तो उसको मैं अंदर बंद करके खाना खाता हूँ, क्योंकि आगे पैर के पास ऐसे ऊपर बैठी रहेगी कि उसको खाना दो। तो यहाँ पे आए अभी हम पार्क में और आराम से छाँव पे बैठ जाएंगे, छाँव में थक गए हूँ मैं, और यहाँ पे आराम से पेट पूजा कर दे। ठीक है, वो तिब्लिसी टूर बस खड़ा होता है, अगर किसी को पूरे तिब्लिसी सिटी का टूर करना है बाय बस, तो वो बस इधर खड़ा होता है, बट मुझे मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हमने सिर्फ खाना खाना है। अच्छा, यहाँ पे अभी देखो हम वापस होटल में जा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप मतलब टैक्सी वाले को समझा नहीं सकते कहाँ जाना है, इंग्लिश उनको समझ नहीं आती, तो उनका बेस्ट सोल्यूशन ये है, ये Yandex एप्लीकेशन है, इस तरह और भी एक दो एप्लीकेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये अभी टैक्सी आ गई तो एड्रेस डाल दो तो सामने कुछ प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। ऐसे टैक्सी का फ़ायदा ये होता है Yandex का कि आप उसमें ऑलरेडी आपने एंड पॉइंट डाला होता है, वो टैक्सी ड्राइवर को पता होता है कि भाई ये कहाँ पर जा रहा है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, अब वो देखो खुद ही लेके जा रहे हैं मैप देखो। आप यकीन नहीं करोगे इतना मतलब जो भी था 1-2 किलोमीटर दूर से आया है, लेकिन इतना घूम फिर के आया है, मुझे लगा कम से कम 10-15 रुपए तो लेगा वो, पता है कितने रुपए ले, सिर्फ 2 रुपए और 20 पैसे, 2 रुपए और 20 पैसे सिर्फ रेंट आया, वो गाड़ी का खर्चा आया टैक्सी का। ये इसलिए कि टैक्सी में नहीं, ये आपको ये Yandex के वाले कैब करना पड़ेगा तभी इतना कम होता है, वरना तो ज़्यादा होता है। तो गाड़ी हमारी आ गई, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, और ये गाड़ी है मेरे जो पैकेज में इंक्लूड था होटल ट्रांसफ़र, तो ये वो वाली गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। किया है कि मतलब सब कुछ क्लियर होने के बाद यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ वेटिंग एरिया में, उसके बाद मेरा नाम अनाउंस किया है कि आमिर रहमान, प्लीज़ कम टू चेक इन काउंटर 25। मैंने जाके पूछा तो लड़की ने मुझे बोला आप वापस नहीं जा सकते हो, पता नहीं बैगेज में क्या प्रॉब्लम है, अब पता नहीं कोई ड्रोन का चक्कर है या मेरे चेरी और चीज़ का कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं। अब बोल रहे कि आपको थोड़ी देर में बुलाएंगे, क्या बोलेंगे आई डोंट नो।
गेन वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे नीचे सिक्योरिटी रूम में ले गए और मेरे साथ जो बैग लगेज में वो माइक्रोफोन था, पता नहीं क्यों लेकर आया था, मैं उसको यूज़ भी नहीं किया, वो शायद बीप बीप कर रहा था। तो उन्होंने वो निकाल के चेक किया, फिर बोला थैंक यू जाओ, नेक्स्ट टाइम ये नहीं लेके जाऊँगा कहीं ट्रेवल में। हर दफ़ा मुझे प्रॉब्लम कराता है, लास्ट टाइम शारजा में भी कराया था। तो बाकी सब कुछ क्लियर है और मैं सबसे पहले भी फ्लाइट में घुस रहा हूँ, क्योंकि मैं चेक इन के लिए गया था तो मैं सबसे लाइन में आगे हूँ और सबसे पहले फ्लाइट में कदम मैं रखूँगा। फाइनली फ्लाइट में पहुँच गया हूँ मैं अब इंशाल्लाह। आई डोंट थिंक आगे कुछ है, स्मूथ पहुँचेंगे आगे, तो लेट्स सी। Take extra care when opening the overhead storage, as articles may have moved during the flight. We wish you a pleasant stay, and we look forward to seeing you on board Air Arabia again. Finally, पहुंच गए शारजा। I hope आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।